नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। 11 और 12 जनवरी 2020 को केरल के एर्नाकुलम में कोची में 4 बिल्डिंग्स को गिराया गया। ये शायद भारत में पहला मौका था जब इतना बड़े स्केल पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराया गया हो कंट्रोल्ड डेमोलिशन में। इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपने अभी तक इन्हें देख भी लिया हो कि ये बिल्डिंग्स गिराई गई कंट्रोल्ड वे में पिछले 2 दिन में। तो आखिर ये बिल्डिंग्स क्यों गिराई गई, कौन से वो कानून थे, कौन से वो नियम थे जिनके खिलाफ ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स मिल जाएंगी। PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। StudyIQ का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स में जो YouTube पे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं, प्रशांत धवन सर, डॉक्टर गौरव गर्ग सर, अंकित अग्रवाल सर, इन सभी फैकल्टीज़ के लेक्चर्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे, जिसकी मदद से आप घर बैठकर IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कीजिए। ये एक बिल्डिंग है जिसे ध्वस्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये बिल्डिंग्स जो वाटर फ्रंट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस थे, वाटर फ्रंट यानी कि पानी के बिल्कुल किनारे पर, वाटर के फ्रंट पर बने हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस 4 बिल्डिंग्स थी, चारों के चारों इलीगल थे कोस्टल रेगुलेशन जोन के खिलाफ। तो ये कोची में एक एरिया है, माराडू नाम इसका है, अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, कोई केरल से है तो मुझे सही प्रोनाउंसिएशन बता सकता है। तो 11 और 12 जनवरी को प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए इन चारों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त कर दिया इन कंट्रोल्ड डेमोलिशन। और भारत में शायद ये पहली बार इतने बड़े स्केल पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त किया गया है, जिसमें इतना मीडिया एक्सपोजर था और काफ़ी लोग भी इकट्ठा हो गए थे। इनफैक्ट धारा 144 लागू कर दी गई थी पुलिस द्वारा उस एरिया में, ताकि ज़्यादा लोग नज़दीक ना जाएं, और काफ़ी कंट्रोल करना पड़ा था भीड़ को क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए। अब हम बात करते हैं तटीय क्षेत्र यानी कोस्ट के बारे में। तो जब कोस्टल रेगुलेशन की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है कोस्ट का। आखिर एक तटीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, कोस्टल जोन एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन मरीन एंड टेरिटोरियल जोन, यानी कि समुद्र और ज़मीन के बीच में जो क्षेत्र है जहाँ पर दोनों मिलते हैं वो होता है कोस्ट। तो इसमें कई तरह के इकोसिस्टम हैं, जैसे कि वेटलैंड, मैनग्रूव्स, मड फ्लैट इकोसिस्टम, सी ग्रास इकोसिस्टम, सॉल्ट मार्श, सी वीड, ये अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है। कहीं पर बीच होगा, कहीं पर आपको सी ग्रास देखने को मिलेगी, कहीं पर बिल्कुल फ्लैट लैंड आपको देखने को मिलेगा, कहीं मैनग्रूव्स होंगे, जंगल होंगे। तो इस तरह के अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, ये सभी कोस्ट में आते हैं। भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट और समझिए आप, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन। किसी भी समुद्र तट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र की लहरें जब लो टाइड होती है तो एक इस तरह की लाइन बनती है, ये लो टाइड है, लेकिन जब हाई टाइड आती है तो मैक्सिमम पानी यहाँ तक पहुँचता है, तो ये एरिया आपको थोड़ा सा गीला मिलेगा, इसे कहते हैं हाई टाइड लाइन। यानी कि नॉर्मली समुद्र मैक्सिमम यहाँ तक आता है, हाई टाइड लाइन तक, तो ये हाई टाइड लाइन है। तो इसी को बेसिस मानते हुए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि इससे कितने मीटर दूरी पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, किस तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड है, ये सभी डिसाइड होता है इस हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बेसिस पर। तो ये होता है हाई टाइड लाइन। अब हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज़ को थ्रेट क्या है। देखिए, बढ़ती आबादी और बढ़ते दबाव के कारण, इंसानों के दबाव के कारण कोस्टल एरियाज़ काफ़ी थ्रेटन्ड हैं। मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स, मछलियों के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। लगभग 20 करोड़ की आबादी भारत की तटीय सीमा में रहती है, 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में, और 4800 बिलियन टन्स डोमेस्टिक वेस्ट और 65 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट हर साल समुद्र में डंप किया जाता है केवल भारत में। आपने शायद मुंबई की वो तस्वीरें देखी होगी कि जब मुंबई में तूफान आता है तब कितना सारा कचरा बीच पर आकर इकट्ठा हो जाता है, और वो सारा कचरा हमारे द्वारा, इंसानों द्वारा समुद्र में डंप किया गया है, जिसे समुद्र फिर से लाकर तट पर डाल देता है। तो आपने अगर वो पिक्चर्स नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें गूगल करके देखिएगा। तो सरकार कोस्टल एरियाज़ को बचाने के लिए क्या कर रही है? 1991 में सबसे पहली बार कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जारी किया गया अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, तब क्लाइमेट चेंज नहीं था उसका नाम, केवल MOEF हुआ करता था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कानून को बेसिस मानकर CRZ लागू किया था। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियम कानून जो थे वो तय किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या
कोस्टल रेगुलेशन जोन एक अलग कानून है जो संसद में पास हुआ? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं है आज भी। तो अभी 2020 आने तक भी इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। इसको पावर कहाँ से मिलती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हाईलाइट कर लेना कि EPA 1986 से CRZ अपना पावर डिराइव करते हैं। कोस्टल रेगुलेटरी जोन रूल्स गवर्न ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्लोज टू कोस्ट लाइन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स नियर द सी। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है CRZ की। भारत में CRZ यानी कोस्टल जोन की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू हाई टाइड लाइन। इस हाई टाइड लाइन से 500 मीटर अंदर तक का जो क्षेत्र होगा वो कोस्टल रेगुलेटरी जोन के दायरे में आएगा। यानी कि 500 मीटर तक जो भी बिल्डिंग बनती है उसे परमिशन लेके बनना होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ कोड्स बनाए हैं, क्या बिल्डिंग्स परमिटेड है क्या नहीं, ये सरकार ने नियम तय किए हैं। अगर ऐसा बीच एरिया नहीं है जहां पर टाइड नहीं आती, जैसे एश्यूरी क्रीक या वाटर फ्रंट है जैसा कोची में था, तो उसमें 100 मीटर के दायरे तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है या फिर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है। तो जैसे कोची में जो बिल्डिंग डेमोलिश हुई ये उनमें से एक बिल्डिंग है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये बैक वाटर्स का एरिया है जहां पे कोस्ट मिलता है आकर जमीन से, तो ये भी कोस्टल इकोसिस्टम का पार्ट है। और यहां पर देखिए बिल्कुल ये पानी के किनारे ये बिल्डिंग बनी हुई है, 100 मीटर के दायरे को ये फ्लाउट कर रही है, जो 100 मीटर वाला रूल था उसके अगेंस्ट था, इसीलिए इसे गिराया गया। और इसी की तरह चार बिल्डिंग्स थी जिन्हें डेमोलिश किया गया है, अभी ध्वस्त किया गया है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू CRZ। तो ये वाला क्लासिफिकेशन याद रखना, 500 मीटर्स फ्रॉम हाई टाइड लाइन, 500 मीटर हाई टाइड लाइन से कोस्टल रेगुलेटरी जोन का हिस्सा है। तो 1991 में पहली बार CRZ लाए गए, लेकिन इनमें लगातार अमेंडमेंट्स किए गए, बार बार चेंजेस किए गए 20 सालों तक। तो अल्टीमेटली सरकार ने 2011 में फिर से पूरी तरह से नए कानून जारी कर दिए। लेकिन 2011 वाले का भी इम्प्लीमेंटेशन इतना सही नहीं था, कंटिन्यूसली डिमांड थी स्टेट्स की ओर से कि 11 वाले जो नियम है वो डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, डेवलपमेंट को रोकेंगे। तो 2018 में सरकार ने कुछ इसमें बदलाव किए, फिर से CRZ रिलीज किए गए। कुल मिलाकर इन कानूनों का मकसद क्या है? टू रिस्ट्रिक्ट सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक लार्ज कंस्ट्रक्शन, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस मटेरियल, माइनिंग, रिक्लेमेशन एंड बंडिंग विद इन अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट लाइन। यानी कि तटीय क्षेत्र के कुछ पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की हैवी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। दो कमेटी के नाम याद रखिएगा, 2011 के कानून जब आए थे तब MS स्वामीनाथन कमेटी ऑन कोस्टल रेगुलेशन थी, उसने जो अपने रिकमेंडेशन दिए थे उसके बेसिस पर 2011 के कोस्टल रेगुलेटरी जोन नियम आए थे। और 2018 वाले जो हैं वो आए हैं शैलेश नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल जोन। तो चार क्लासिफिकेशन होते हैं, CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3 और CRZ 4। तो 1 में आता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया लाइक मैनग्रोव, कोरल रीफ, बायोस्फीयर रिजर्व। आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। CRZ 2 होता है बिल्ट अप एरिया जहाँ पे गांव बसे हुए हैं, समुद्र तट पर टाउन्स बसे हुए हैं, ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ऐतिहासिक गांव हैं, उन्हें बिल्डिंग्स को आप तोड़ नहीं सकते, तो वो वहां पर रहेंगे। CRZ 3 होता है रूरल और अर्बन एरियाज जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। सोचिए कि खाली पड़ा एरिया, अभी कोई ना तो गांव बसा हुआ है ना ही कोई शहर का, या तो शहर का बाहरी इलाका है जहाँ पर अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो CRZ 3 हो जाएगा। CRZ 4 है वाटर एरियाज अप टू द टेरिटोरियल वाटर्स एंड टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज। तो ये पानी वाला एरिया है प्योरली, इसमें ज़मीन नहीं आती है। आइलैंड्स के लिए, द्वीप समूह के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया था विच वॉज एप्लीकेबल टू अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। CRZ नोटिफिकेशन 2011 एनश्राइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, और इसके लिए एक मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाने की बात कही गई थी इसी 2011 के कानून में, और राज्यों को भी अपनी अपनी कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाने का अधिकार दे दिया था इसने। तो केरल में जो ये करंट केस हुआ है, ये केरल सरकार की जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्डिंग्स टूटी हैं। तो एक बार हम डिटेल में देखते हैं CRZ 1 क्या है। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर मैनग्रोव्स, सैंड ड्यून्स, मड फ्लैट्स, नेशनल पार्क, सॉल्ट मार्शेस, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स, सी ग्रास बेड्स, नेस्टिंग ग्राउंड्स ऑफ बर्ड्स, ये सभी CRZ 1 में आते हैं। तो जो हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बीच का जो एरिया है वो भी CRZ 1 के अंदर आएगा, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहाँ पर टर्टल नेस्टिंग होगी, जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो सब इसी हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बीच वाले एरियाज में अपने अंडे देते हैं, टर्टल्स या फिर क्रैब्स भी होते हैं कई तरह के। तो ये वाला जोन मरीन एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CRZ 1 के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता एक्सेप्ट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि कई सारे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स
कोस्ट लाइन पर स्थित हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन हो सकता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सी लिंक एंड रोड्स विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन LTL एंड HTL. तो इस तरह के सी लिंक यानी कि जो ब्रिजेज हैं वो बनाए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन इन एरियाज विच आर नॉट इकोलॉजिकली सेंसिटिव द फॉलोइंग मे बी परमिटेड. यानी कि जहां इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज नहीं है वहां पर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल सकती है, स्कूल रोड जैसी पब्लिक एमिनिटीज बनाने की परमिशन मिल सकती है, और अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो वहां पर ट्रेडिशनल इनहैबिटेंट्स हैं, लेट्स से कि कोई आदिवासी वहां पर रह रहे हैं, उनके टेम्पररी अकोमोडेशन बनाने हैं तो उसकी परमिशन भी मिल सकती है. सॉल्ट हार्वेस्टिंग बाय सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, तो सॉल्ट हार्वेस्टिंग वालों को भी परमिशन इस एरिया में CRZ1 में मिल जाएगी. फिर है CRZ2, ये वो एरियाज हैं विच आर डेवलप्ड अप टू द शोर लाइन, जैसे मुंबई शहर हो गया या फिर कोची या एर्नाकुलम शहरों को ही देख लीजिए, और ये म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर एरिया आता है. तो यहाँ पे बिल्डिंग्स आर परमिसेबल ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ हैजार्डस लाइन. सम कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ओनली एज पर गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन. यानी परमिशन मिल सकती है लेकिन कोस्टल जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनके परमिशन के बाद ही कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और उसमें भी आप समुद्र की तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको जमीन की तरफ ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. CRZ3 एरियाज दैट आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, ये ऐसे एरिया हैं जो रूरल या फिर अर्बन हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है. जैसे कि अगर कोई तटीय इलाकों में गांव बसा हुआ है तो उस गांव के बाहर का जो एरिया है जहाँ पर बस्ती नहीं है अभी तक, जहाँ पर घर नहीं बने हुए हैं, तो ये CRZ3 में आएगा. तो इट कैन इंक्लूड रूरल एंड अर्बन एरियाज दैट आर नॉट सब्सटेंशियली डेवलप्ड. यहाँ पर बिटवीन 0 to 200 मीटर्स फ्रॉम हाई टाइड लाइन इज अ नो डेवलपमेंट जोन वेर नो कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड. तो 200 मीटर HTL से कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. ओनली सर्टन एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्रोजेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी, माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स, सॉल्ट मैन्युफैक्चर, रीक्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड पब्लिक फैसिलिटीज मे बी परमिटेड. बिटवीन 200 and 500 मीटर्स दोज परमिटेड इन 0 to 200 मीटर जोन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स आर परमिसेबल. तो यहाँ पर टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स जैसे कि टूरिस्ट के लिए हट्स या फिर उनके लिए रेस्टोरेंट्स या बाथरूम्स जैसी फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं लेकिन 200 से 500 मीटर का दायरा होना चाहिए. CRZ4 द एक्वेटिक एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू द टेरिटोरियल लिमिट्स इज क्लासिफाइड एज CRZ4 इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडी. तो ये पानी वाला एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिशिंग पर, ट्रेडिशनल फिशिंग पर जो लोकल कम्युनिटीज करती हैं, मॉडर्न फिशिंग नहीं हो सकती. ऐसा नहीं कि ट्रॉलर लाकर आप फिशिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फिशिंग अलाउड है. नो अनट्रीटेड सीवेज और सॉलिड वेस्ट शैल बी लेट ऑफ और डम्प्ड इन दीज एरियाज. तो कोई भी अनट्रीटेड सीवेज इस एरिया में नहीं डंप किया जा सकता. अभी एक बहुत बड़ी समस्या है बड़े शहरों की, खास करके मुंबई जैसे शहरों की, कि क्रीक्स जो मुंबई के आसपास क्रीक्स हैं वहाँ पर सीवेज डंप कर दिया जाता था पहले. तो अभी भी डंप हो रहा है, काफ़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन चुके हैं लेकिन उसके बाद भी ये समस्या अभी मौजूद है. CRZ 2018 में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान रखा गया है, टूरिस्ट शैक्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंजिंग रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अब बीच पर बनाए जा सकते हैं, वरना चेन्नई का जो मरीना बीच है वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ इलीगल हो गई थी CRZ 2011 के अनुसार. टेम्प्रेरी टूरिज्म फैसिलिटीज़ आर नाउ परमिसेबल इन द नो डेवलपमेंट जोन ऑफ CRZ 3 ऑल्सो. तो अब 2018 के नियम कानून क्या कहते हैं कि CRZ 3 के अंदर जो 0 to 200 मीटर्स वाला एरिया है उसमें भी इस तरह की टेम्प्रेरी टूरिज्म फैसिलिटीज बन सकती हैं, लेकिन मिनिमम 10 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए HTL से. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल समुद्र के जहाँ पे हाई टाइड आती है वहीं पर आप बना दें. CRZ 3 जो है उसमें दो कैटेगरी बना दी गई है, अब CRZ 3A और CRZ 3B, दोनों को डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार. अगर डेंसिटी 2161 स्क्वायर किलोमीटर है तो फिर वो CRZ 3A है, और उससे अगर कम है डेंसिटी तो फिर वो CRZ 3B कहलाएगा, और उसमें नो डेवलपमेंट जोन 200 मीटर तक होगा. और यहाँ पे CRZ 3A में नो डेवलपमेंट जोन 50 मीटर होगा हाई टाइड लाइन से. तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि अगर आबादी का दबाव ज़्यादा है, ज़्यादा आबादी है उस एरिया में, तो CRZ 3 के अंदर भी 50 मीटर नो डेवलपमेंट जोन कर दिया गया है जो पहले 200 मीटर हुआ करता था. तो अब 200 मीटर केवल CRZ 3B में है. फिर CRZ की जो क्लियरेंसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दी हैं. केवल CRZ 1 और CRZ 4 जो है उसके लिए अब केंद्र सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज परमिशन देगी. उसके अलावा जितनी भी परमिशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा दी जाएंगी. नो डेवलपमेंट जोन 20 मीटर रहेगा सभी आइलैंड्स के लिए,
तो जो मेन लैंड के आसपास के आइलैंड्स हैं या फिर बैकवाटर आइलैंड्स हैं जो कि केरल में हैं, बहुत सारे बैकवाटर आइलैंड्स, वहां पर एनडीजेड होगा 20 मीटर का। ऑल इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैव बीन अकॉर्डेड स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलेटेड टू देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैव बीन ड्रॉन अप एज पार्ट ऑफ द सीआरजेड नोटिफिकेशन। पॉल्यूशन अबेटमेंट हैज बीन अकॉर्डेड स्पेशल फोकस, तो जहां पर भी सीआरजेड एरियाज में पॉल्यूशन हो रहा है वहां पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बन सकती हैं, उसकी परमिशन भी अब मिल जाएगी सब्जेक्ट टू नेसेसरी सेफ गार्ड्स। उसके अलावा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए नेसेसरी परमिशंस दी गई हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।